बनाओ, इशारा दिखाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, इशारा दिखाओ, सबका साथ सबका विकास, इशारा बीजेपी सरकार के यूपी सांबर अच्छा है, यूपी सांबर अच्छा है, यूपी सांबर अच्छा है। घर घर मोदी, घर घर कोरोना, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। हमने गरीबों को 10 किलो चावल अनाज देने का हमने वादा किया है। 12 तारीख को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक सरकार को लिखा कि हम 15 लाख टन अनाज देने के लिए तैयार है, पैसा लेकर। फिर केंद्रीय सरकार का दबाव आया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ। फिर 13 तारीख को उन्होंने कहा कि हम ये आपको नहीं दे सकते, हम ये पूरा ओपन मार्केट में दे देंगे। ये कौन सा सबका विकास सबका विश्वास है? किसी का विश्वास नहीं है, किसी का विकास नहीं है। ये सिर्फ दो लाख करोड़ जो अंबानी अदानी और जो बड़े केंद्रीय है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका माफ करने का ही विकास है। हम जब गरीब को 10 लाख किलो चावल देते हैं तो उन्होंने ये ब्लॉक कर रहा है, उनके पेट में दुख रहा है। नहीं सर, अभी 7 लाख टन मेट्रिक टन उतना ही अनाज है रहने की बात कही जा रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही तो फिर कैसे फुलफिल करेंगे? हमारे सिद्धरामैया सर साहब मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार साहब, हमारे मुनियापा साहब और पूरी कैबिनेट मिलकर चर्चा कर रही है, और जो हम वादा किए हैं चाहे कहाँ से भी खरीदना हो तो खरीद के देंगे, जरूर देंगे। मैडम, क्या कांग्रेस ने इसकी योजनाओं का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे किया था? कौन बोलता है उनके भरोसे तो फिर वो नहीं दे रहे चावल तो आप एहतजाज कर रहे हैं? क्यों नहीं देंगे? जो प्रथा चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट है हमारा, इंडिया का संविधान को जानते हैं ना,
राज्य सरकार केंद्र सरकार को सपोर्ट करती है केंद्र सरकार, लेकिन आपकी सवाल की जवाब मैं देना चाहती हूँ। गलत ही सवाल है आपका, हमने किसी को पूछ के नहीं दिया था, हमने कर्नाटक की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए, महंगाई का मार बहुत हुआ था, कोरोना के बाद लोगों को दो वक्त का खाना नहीं मिल जाता, इसलिए हमने वो तंदूर राइस का हमने नहीं देने की, और हमने केंद्र सरकार से ये नहीं पूछा था कि हम देंगे ये करके। अगर वो जैसे वो हर महीना हमको 2 लाख मेट्रिक टन देते थे वैसा ही देते थे तो ठीक था। जीएसटी क्यों ले, नहीं नहीं जीएसटी क्यों लेते हो? केंद्र सरकार 4 लाख कोटी लेते है ना जीएसटी, तो फिर तो क्यों लेते हैं जीएसटी हमसे? योजनाओं के ऊपर तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो उनको तो डर ही, सिर्फ योजनाओं के ऊपर नहीं, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जीत हासिल किया है, महंगाई के खिलाफ हमने जीत हासिल किया है, जो झूठे वादे करके जो लोगों को दिशा भूल उन्होंने किया था। सर सरकार में रहने के बावजूद प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? केंद्र सरकार जो कर रहा है गरीब के खिलाफ, उसका आवाज उठाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम जो उनके पास है चावल, उनके पास तो अभी दास्तान है, स्टॉक है, फिर भी नहीं दे रहा है कर्नाटक सरकार को। फिर अगला कदम क्या रहेगा अगर नहीं दे? अगला कदम है तो हम बाहर से मार्केट के प्रकूर करेंगे, अन्य राज्य से उसको लेके आएंगे। बीजेपी सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के।